दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। वसई किले से लकड़ी तस्करी में पकड़ी गई अफसर की चोरी, हरे झाड़ को काट कर की जा रही थी तस्करी। वसई किले का अपना एक अलग इतिहास एवं महत्व है। 15वीं सदी में निर्मित इस किले को आज भी वसई के गौरव का प्रतीक माना जाता है, जिसके साथ कई ऐतिहासिक एवं रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। हर राष्ट्रीय धरोहर की तरह वसई किले के संरक्षण की जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग के पास है। अब सवाल यह है कि क्या पुरातत्व विभाग किले की धरोहर का संरक्षण कर रहा है? तो जवाब मिलेगा नहीं। किले के संरक्षण करने की बात तो काफ़ी दूर की है, हाँ, लेकिन जिनके हाथों में इस ऐतिहासिक किले की रखवाली की अति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके द्वारा रखवाली की जगह चोरी कर लकड़ी की तस्करी अंजाम दी जा रही है। दरअसल वसई किले में तैनात ऑफिसर उत्तम भोंसले द्वारा किला परिसर में बगैर किसी सरकारी परमिशन के बाहरी व्यक्ति को बुलाया जाकर हरे झाड़ को काट कर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। मामला तब सामने आया जब हमें अपने सूत्रों से इस गोरख धंधे की जानकारी का पता चला और हमने खुद वसई किले का रुख करते हुए हमको मिली सूचना की पड़ताल की। किले में इधर उधर भ्रमण करने के दौरान हमें दिखाई दिया कि दशहरे के दिन पर्यटकों के लिए बंद वसई किले की एक ओर से जहां बम्बू को बांधकर प्रवेश बंद किया गया है, वहां से एक पिकअप गाड़ी में काटे गए जाड़ की लकड़ियों को रखकर किले से बाहर ले जाया जा रहा था। हमारे द्वारा अधिक जानकारी हासिल किया जाने वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड से सवाल किया गया तो सुरक्षा गार्ड ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, हमारे साहब को पूछिए। थोड़ी देर में उस पिकअप वैन को बाहर निकालते खुद ड्यूटी ऑफिसर उत्तम भोंसले नजर आए, जो कि खुद पूर्व आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। उत्तम भोंसले ने कैमरे पर किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया और बिना कैमरे के इस गंभीर अपराध को छोटी सी भूल बताकर हाथ जोड़कर माफ़ करने की मन्नतें करने लगे। साथ ही पिकअप में भरे गए लकड़ी के टुकड़ों को भी फिर से अपनी जगह पर रखने की बात कहने लगे। पिकअप वैन में लकड़ी ले जाने वाले अब्दुल मजीद खान ने हमसे बातचीत में लकड़ी को लेकर जाने के बदले दो गाड़ी के 2000 रुपये चुकाए जाने की बात कबूल की। हमारे वहाँ से चले जाने के बाद तस्करी की जा रही लकड़ी को फिर अपनी जगह पर रखे जाने की सूचना देने अब्दुल मजीद ने हमको फ़ोन किया, जिसमें एक बार फिर अब्दुल मजीद ने 2000 रुपये दे जाने की बात का इकरार किया। सुनिए अब्दुल मजीद से बातचीत का वो ऑडियो रिकॉर्डिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं हूँ यूसुफ अली। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई की सबसे ऐतिहासिक धरोहर वसई किले के यहाँ। हेलो, सलाम वालेकुम। हाँ बोलिए। वालेकुम। हाँ, वो खाली कर लिया लकड़ा? हाँ नहीं, लेकिन लकड़ा आप जो है लेके जा रहे थे? हाँ, वो खाली कर दिया फिर। तो अभी खाली गाड़ी लेके अभी निकले हैं तो आपको उसके लिए फोन लगाया। अच्छा, लेकिन वो लकड़ा कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे जी? लकड़ा कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? वो कटवाते थे मिल पे डाल के, कटवा के फिर बेकरी वाले को डालते थे ऐसा। कटवा के कौन कटवाता था? हाँ, तो फिर आप बोले खाली कर दो तो फिर खाली कर दिया। कौन तो मालूम नहीं था साला। कौन कटवाता था जी? कितना पैसा में? हेलो। हाँ, कौन कटवाता था, कितना पैसा? नहीं, मिल पे डाल के कटवा देते ऐसा। मिल पे नहीं, यहाँ से उठाने का कितना पैसा देते थे आप उनको? अभी आप कहाँ पे हो? मैं तो हूँ यहीं पे। आप यहाँ पे, यहाँ से उठाने का कितना पैसा देते थे आपको? क्या बोले समझी नहीं मैं, क्या बोले? आप कितना पैसा उनको देते थे यहाँ से उठाने का, मतलब कितना पैसा देते थे ऐसा? हाँ, इसको 1000 रुपए, वो एक जो गाड़ी था, एक ही गाड़ी भरा था, दूसरा खाली हो गया, तो वो पैसा भी नहीं दिया होगी उसको। अच्छा। हाँ, तो क्या उसको दोनों गाड़ी का भाड़ा देना पड़ेगा मेरे को? फोकट के गए आदमी बैठा के रहा दोपहर से। लेकिन वो तो चोरी का है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो ऐसा काट थोड़ी सकते, काटना अलाउ थोड़ी है, परमिशन थोड़ी है। वो सरकारी माल है। वो बोल रहे थे भाई इसका क्या क्या करने चाहिए, खाली हमारे आदमी गरीब आदमी है लोग। वैसे भी झाड़ को काटना गुनाह है। कतल का गुना जो है ना, वो लगता है झाड़ को काटने पर। हाँ, नहीं, वो कैसा था, वो गिरे हुए जो लटके हुए थे तो बोले एक फाटा गिरा था, बोले ये गिरा दो। नहीं, उसका परमिशन होता है, जो लटका हुआ होता है ना, अगर वो जो काटना जरूरी, उसका परमिशन होता है फिर कटता है वो, बिना परमिशन का ऐसा थोड़ी कटता है। हम लोग तो कहे गिरा हुआ महानगर पालिका का, इसका वही मतलब उठा के कटवा लेते। महानगर पालिका का उधर कोई लेना देना नहीं है। हाँ,
महानगर पालिका कभी गिरता था तो वो लोग बाली उधर पड़ा रास्ते पे से हटा लो ले जाओ। नहीं आप हमेशा लेके जाते हैं ना वहाँ से? नहीं हमेशा नहीं, इनका तो आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है इन लोग का। ठीक है चलो जो भी है। लेकिन नहीं सर क्या है हम लोग को जरा भी ऐसा टेंशन हो रहा, ये सब इससे कभी पड़ा नहीं रहा अपना, इनका छोटा मोटा काम वही कर रहे हैं। ठीक है मैं कहीं पे बिजी हूँ बाद में बात करता हूँ। ठीक है सर, लेकिन कुछ होना नहीं चाहिए, ये अभी आपके ऊपर है। नहीं होगा क्या, वो तो मीडिया में जाएगा न्यूज में जाएगा जी। ठीक है चलो मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ ठीक है। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।